तो दोस्तों आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज में। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दें कि जितने भी छात्र एवं छात्राएं CBT UG का रिजल्ट और स्कोर कार्ड डाउनलोड करके बैठे हुए और आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आया। CUSB यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए आप लोग का विदाउट कट ऑफ का आप लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तो देख सकते हैं आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए आज मैं आप लोग को पूरी डिटेल्स बताऊंगा विथ प्रूफ आप लोग कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना फी लगेगा, कितने सीटों पर आप लोग का एडमिशन होने वाला है, ये तमाम जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आइए शुरुआत से आप लोग को बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे आप लोग इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को सिंपल क्या करना होगा, आप लोगों को गूगल खोल लेना होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग गूगल ओपन करेंगे, गूगल में आपको सिंपल सर्च करना होगा CUSB। जैसे ही आप लोग CUSB सर्च करेंगे वैसे ही आप लोग देखेंगे मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है, सिंपल आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे वैसे ही स्क्रीन पर आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो सिंपल आप लोग क्या करना होगा, इस वाले वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कराया जाएगा जहां से आप लोग इजीली लॉगिन हो सकते हैं यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो चलिए सिंपल आज ही लिंक एक्टिवेट हुआ है तो सिंपल उस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही स्क्रीन पर आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। तो सिंपल आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे अभी नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग क्या करूँगा, आप लोग को सबसे पहले दिखाएँगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिए, नोटिफिकेशन के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा। देख सकते हैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप लोगों का कल देर रात को आप लोग का नोटिफिकेशन आया था रजिस्ट्रेशन के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को LLB के लिए है, BA BEd है, उसके बाद BSc BEd है और BSc ऑनर्स में आप लोग का एडमिशन होने के लिए आप लोग का निकाल दिया गया। बात करेंगे आप लोग को रजिस्ट्रेशन फी, तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन फी आप लोग देख सकते हैं नॉन रिफंडेबल आप लोग का अमाउंटिंग होता है 500 और जनरल OBC और EWS के लिए कितने रुपए लगेंगे 200 और SC ST वालों के लिए कितना लगेगा, सॉरी यहाँ पे जनरल OBC EWC के लिए 200 रुपए और SC ST वालों के लिए SC ST वालों के लिए 200 रुपए लगेंगे आप लोगों को और यहाँ पे 500 रुपए आप लोग लगेगा जनरल OBC EWC के लिए। और आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है 17 से 24 तक आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है आप लोगों को कब निकाला जाएगा 27/7 को आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जानकारी आप लोगों को दिया गया है कितना कितना आप लोगों को लगेगा, कब से कब तक ये सब लगने वाला है। चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एलिजिबिलिटी और क्या क्या लगेगा, आप लोगों को क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं एकेडमिक ईयर आप लोग यहाँ पर, तो हम लोग को क्या करना होगा रजिस्ट्रेशन करना है ना। तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा बैक चल जाते हैं, एक बैक जाएंगे फिर से आप लोग आएंगे तो आप लोग देखिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आप लोगों को 3 लाइन पे क्लिक करना होगा। 3 लाइन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही हल्का सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप लोगों से मांगा जाएगा एप्लीकेशन एप्लीकेंट CUET एप्लीकेशन नंबर, जो आप लोग का CUET का एप्लीकेशन नंबर है सिंपल आप लोग क्या करेंगे इस तरह से फिल करेंगे, जो भी आप लोग का एप्लीकेशन नंबर है आप लोग यहां से फिल करेंगे। देख सकते हैं यहां पे मैं यहां पे फिल कर रहा हूं आप लोग को रजिस्ट्रेशन CUET का एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। आप लोग सिंपल इसी तरह से आप लोग भी फिल करिएगा, उसके बाद ही आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। उसके बाद आप लोग को डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है आप लोग इस तरह से सिंपल फिल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ दिया जाएगा जो आप लोग का CUET में डाले होंगे वही डालना होगा, सिंपल इतना करने के बाद उसके बाद आप लोग क्या करेंगे जो कैप्चा दिया गया है कैप्चा को आप लोग सही सही भरेंगे, ठीक है। 23 उसके बाद 84 है, उसके बाद कितना है 3, उसके बाद आप लोग सिंपल क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे। चलिए हम लोग रजिस्टर हेयर पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप लोग रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप लोग क्या किया जाएगा यहाँ पे सेट पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। देख सकते हैं सेट पासवर्ड आपको कैसे करना है, तो 6 करेक्टर का मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर रिसीव ऑन योर ईमेल एड्रेस इतना अकाउंट आप लोग पर जाएगा, तो आप लोग को OTP रिसीव्ड ऑन मेल सेट पासवर्ड आप लोग को यहाँ पर डालना होगा। तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा ईमेल आईडी OTP आपको डालना होगा जो कि आप लोग ऑलरेडी इफ़ यू डोंट हैव योर ईमेल आईडी एक्सेस प्लीज़ कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी,
अगर आप लोगों को इस OTP नहीं जा रहा तो सिंपल आपको क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी वाले को कॉन्टैक्ट करना होगा, उसके बाद आप लोग सबमिट करेंगे OTP। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ईमेल पर जो भी OTP गया होगा सिंपल डालकर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आप लोग सिंपल फिल करेंगे और यहाँ पे जो भी आप लोगों को पासवर्ड बनाना है यहाँ पे सिंपल पासवर्ड बनवा लेंगे। ठीक है, बना लेंगे, खुद से बनाएंगे। यहाँ पे पासवर्ड इस तरह से बना लेना है, इस तरह से आप लोग फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को नीचे में आपको कैप्चा दिया रहेगा, वो ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा। सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 268264 यहाँ पे डालकर सिंपल आपको क्या कर देना होगा, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप लोग क्या खुल जाएगा आप लोग को कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करने के लिए आप लोगों को ईमेल आईडी पर OTP जाता है, जो कि मेरे में 2 दिन से नहीं आ रहा था, फाइनली आज आप लोग का सक्सेसफुल हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज, जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का मैसेज आएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली लॉग इन टू कम्प्लीट योर रजिस्ट्रेशन। तो कम्प्लीट योर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को प्रोफाइल में बनाना होगा, उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम लिखना होगा, उसके बाद CVT या स्कोर कार्ड करना होगा, उसके बाद लास्ट में आप लोग क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो चलिए आप लोगों को मैं A to Z बताया था, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, तो चलिए फाइनली आप लोगों को लेकर आ गए। तो सिंपल आप लोगों को क्या करना होगा, प्लीज़ कम्प्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही कम्प्लीट योर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स भरने के लिए आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। क्लिक नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है यार, चलो हाँ क्लिक हो गया फाइनली प्रोफाइल पे। तो प्रोफाइल पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे वैसे ही थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स वगैरह जो भी भरा हुआ था ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर मटेरियल स्टेटस आएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मैरिड है, नेवर मैरिड, डिवोर्स्ड, विडो, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना होगा, नेवर मैरिड। ठीक है, उसके बाद सिंपल आप लोग देख सकते हैं 18 साल 6 मंथ आप लोग को EWS कैटेगरी है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपके पास जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा आप लोग दे डाल दीजिएगा, जो भी आपको नंबर रहेगा BCC BCC करके आएगा आपको BCC। उसके बाद 2023, उसके बाद सिंपल आप लोगों का 6 अंक का डिजिट डालना रहेगा, आप लोग यहाँ पे डाल लीजिएगा, जो भी आप लोग का दिया रहेगा आप लोग सिंपल इस तरह से फिल कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को इशू डेट आप लोग कब से कब तक है, तो आप लोग जो भी आप लोग का जिस मंथ में आप लोग को मिला होगा इस तरह से आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर 2023, चलो 2023 का है तो 2023। उसके बाद अप्रैल दिया गया यहाँ पे वेडनसडे, ये क्या हो रहा है यार, चलो मई नहीं ले रहा, सेलेक्ट 2022 के लिए, 1 साल पुराना लेगा क्या, चलो सिंपल आप लोग को मैं सेलेक्ट करके बताता हूँ कब का कब से कब तक लेगा यह। सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनसडे, मंडे, 5, चलिए सिंपल आप लोग को इसी तरह से सेलेक्ट कर लेना होगा, 22/6/2005 आप लोग का इस तरह से सेलेक्ट करना। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम, आपको जो भी एनुअल फैमिली इनकम होगा आपको सिंपल डाल देना होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप लोग को अल्टरनेट, अगर ईमेल आपको पास है तो आप लोग डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं सिंपल आप लोग। उसके बाद ब्लड ग्रुप है अगर आपके पास तो ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी अगर आप लोगों का O पॉजिटिव है तो O पॉजिटिव डालेंगे। उसके बाद रिलीजन, हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि बुद्धिज़्म है, सिंपल आप लोग इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मदर टंग, वो आपका कौन सा है, हिंदी है कि इंग्लिश है, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे इस तरह से फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड में आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड तो पैन कार्ड, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड आप लोग सिंपल इस तरह से सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर अदर कार्ड है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अदर कार्ड में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, अदर सिटीजन इंडिया, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर। अदर में रहेगा तो सिंपल आप लोग यहां पे क्या कर लीजिएगा, अपना आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर रहेगा सिंपल इस तरह से आप लोग फिल कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आप लोग को यहाँ पर फिल करके निकल जाना, 5666। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मदर नेम आप लोग
यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आपका मदर नेम है आप लोग मदर नेम डाल सकते हैं। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है आप लोग का, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ डालेंगे। अगर ऑप्शन में है होम मेकर, गवर्नमेंट सर्विस, बिजनेस, एग्रीकल्चर, नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर नहीं है तो मदर क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप लोग ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन आप लोग कर सकते हैं। अगर नॉन ग्रेजुएशन है तो नॉन ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसका आप लोग का ऑफिस होगा तो दे सकते, नहीं तो ये क्या है आप लोग का यहाँ पे ये ऑप्शनल है, नहीं भी भर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मदर स्टाफ टाइप ये सब आप लोग नहीं डालना। मदर सैलरी आप लोग का कितना है सिंपल, आप लोग जितना रहेगा आप लोग डाल सकते हैं यहाँ पे सिंपल। नॉट अप्लीकेबल है तो अगर नहीं देना चाहते हैं तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा। यहाँ पे मदर का मोबाइल नंबर जो भी आप लोग सिंपल डाल लीजिएगा। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन पूछ रहा है तो आप लोग यहाँ पे सिंपल फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फादर क्वालिफिकेशन नॉन ग्रेजुएशन तो नॉन ग्रेजुएशन, फादर ऑफिस एड्रेस तो भी क्या है आप लोगों का ऑप्शनल है। सिंपल इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हैव यू एनरोल्ड इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यस या नो, हैव यू इनरोल्ड। पहले भी आप लोगों ने साउथ बिहार में आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे, अगर यस किए होंगे तो यस, नहीं तो नहीं। अगला है यहाँ पे पर्सन ऑफ बेंचमार्क, डिसेबिलिटी है नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे। यहाँ पे PW डिसेबिलिटी है ही नहीं तो आप लोग क्या करेंगे सिंपल नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ दिया गया आप लोग। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस आप लोग का जो भी एड्रेस है यहाँ पे आप लोग सिंपल फिल कर लीजिएगा, अपना गांव का नाम, विलेज का नाम, पिन कोड, ये सब डालने के बाद सिंपल जो भी आप लोग ऊपर फिल करेंगे वही नीचे में आप लोगों को डालना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे डालना होगा जो आपका एड्रेस है सिंपल डाल देना होगा। उसके बाद सिंपल नीचे आएंगे, उसके बाद आप लोग को इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग का आगे का प्रोसेस होगा अदर डिटेल्स अपलोड टू। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल वन अदर डिटेल्स रहेगा। अपलोड्स में आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था किससे रिलेटेड, तो आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले में आप लोग का दिक्कत हो रहा था। क्या क्या देखिए 10th और 12th का जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट है उसका तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पे आप लोग को ऑप्शनल भी है लेकिन 12th का आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा तो माइग्रेशन मिला हुआ था। आप लोग क्या कर सकते हैं 12th के साथ माइग्रेशन कर सकते हैं और 10th के साथ आपके पास अगर प्रोविजनल होगा तो उसको अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं आप लोग को। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो आपको सेलेक्ट प्रोग्राम वाले यहाँ पर देख सकते हैं यू हैव नॉट सबमिटेड योर प्रोफाइल, क्योंकि सबमिटेड नहीं किया इसलिए आप लोग को रिव्यू योर सबमिट योर प्रोफाइल आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग कुछ नहीं दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल्स उसको फिल किया ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल आप लोग इसी तरह से आप लोग फिल करेंगे तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करना होगा आपको CUET का स्कोर कार्ड डालना होगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे हुआ होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले में और पेमेंट वाला में, तो सर्वर कुछ दिन से प्रॉब्लम चल रहा था इस वजह से आप लोग का पेमेंट गेटवे सर्वर डाउन के वजह से आप लोग का नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपके लिए वीडियो और आप लोग का जो प्रॉब्लम था वह क्या हो गया होगा सोल्व हो गया होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग मुझसे क्या कीजिएगा कमेंट करके बताइए कि आप लोग का फॉर्म भराया या नहीं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसे अपडेट के साथ अगले दिन।